Everyone, कैसे हैं आप सब कोविड uh, तो नहीं जा रहा राइट right? और हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस था अब थोड़ा और हो गया है और कहीं ना कहीं हम वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्योंकि पहले जब हम ऑफिस जाते थे तो हमें पता है कि हमें सुबह सात बजे आठ बजे घर से निकलना है जब हम ऑफिस में हैं नौ से छ हम सिर्फ ऑफिस पे फोकस्ड हैं और जब हम घर घर आ जाएंगे तो हमारा हमारी ड्यूटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स और फैमिली और किड्स और पेरेंट्स वो सब है तो एक फेंस था राइट right? एक बाउंड्री थी जो हमें पता था कि उसको हम फॉलो कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ कोविड जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो सबको थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि चलो आई एम रिलैक्सड नाउ बट वो इतना इलांगेट हो गया इतना एक्जैगोरेट हो गया है कि अब वो जो हमारा फेंस था वो जो बाउंड्री थी वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गई है नाउ आई सी मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं वी जस्ट स्टार्ट विद आउट लैपटॉप हम अपना लैपटॉप खोलते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं बीच में जब मौका मिला ब्रेकफास्ट कर लिया बीच में जब मौका मिला लंच कर लिया फैमिली के साथ थोड़ा सा बात कर ली बट देन इवनिंग ऑल्सो छः के साथ के आठ कई बार नौ बज रहे हैं और हम या तो कॉल्स पे हैं या अपनी अपनी ई मेल्स वाइंड अप कर रहे हैं प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो वो जब फैमिली और uh, ट्रू सेंस में जो हम वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही कॉमन नाम है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है राइट right? और ये चैलेंज बहुत लोग uh, लेके आते हैं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से ना तो हम अपने काम में प्रोडक्टिव हैं और ना ही हम अपनी फैमिली को खुश रख पा रहे हैं आई एम श्योर यू नो फैमिली गेट्स इरिटेटेड ऑन दिस एंड वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज राइट तो आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं मैं आपके साथ एक ऐसा फार्मूला एक ऐसा सिंपल टूल्स शेयर करना चाहती हूँ जिसे मैं कुछ सालों से फॉलो कर रही हूँ और मेरे मेंटीज़ भी आई शेयर इट विद विद माय मेंटीज बट पिछले साल बहुत सारे मेरे मेंटीज ने जब इसे फॉलो किया एंड हैव स्टार्टेड कंसिस्टेंटली डूइंग इट तो उनको ऐसा लगा कि इससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है और उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो वापस एक नॉर्मल स्टेज पे आ गए इनफैक्ट बिफोर कोविड भी वो जो नहीं बैलेंस कर पा रहे थे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके वो इसे कर पा रहे हैं सो so, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक सिंपल फार्मूला लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गेट अ पेपर एंड अ पेन एक कागज एक ए फोर साइज पेपर और एक पेन लेकर जल्दी से वापस आ जाइए इसे पॉज कीजिए वापस आइए और फिर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ फॉर्मूला ओके वेलकम बैक तो अब आपके पास पेपर और पेन रेडी है आपको क्या करना है इस पर दो क्रिस क्रॉस लाइंस बनाएंगे आप लाइक दिस एंड दिस सो दैट इट गेट्स डिवाइडेड टू फोर इक्वल क्वाड्रेंट्स चार पार्ट बन जाएंगे और उस पर हम काम करना शुरू करते हैं लेट मी शो यू हाउ तो आप देखिए ऐसे आपको अपने एक ए फोर साइज पेज को फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है अगर आप देख सकते हैं ये आपके चार कॉर्नर्स चार क्वाड्रेंट्स बन गए हैं पहले क्वाड्रेंट में आप लिखिए मी टाइम राइट इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी व्हाट डज दैट मीन दूसरे क्वाड्रेंट की हेडिंग आप लिख लीजिए योर टाइम राइट आपका समय मेरा समय आपका समय उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में आप लिख लीजिए आवर टाइम हमारा समय आवर टाइम और चौथे में फिर से मी टाइम मेरा टाइम राइट सो यस हम कहते हैं ना मेरा टाइम कब आएगा वो आ गया है बिकॉज यू गॉट टू क्वाड्रेंट्स तो आपने ये पेपर को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेना है अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं इसके पीछे क्या फंडा है और इसको किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस के लिए यूज करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट की जिसमें हमने लिखा है मी टाइम राइट अब मी टाइम क्या है जिस तरह हम रात को अपने फोन को अपने डिवाइसेस को अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स को चार्ज करते हैं ताकि पूरा दिन बिना बैटरी खत्म हुए हम उस पर काम कर सकें राइट लेकिन हम अपनी बैटरी कब चार्ज करते हैं रात को ठीक है सो जाते हैं बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो हमें लगता है कि हम चार्ज अप हो गए बट समाइम्स इट्स नॉट द केस दूसरा हमें लगता है नहीं हमने सुबह उठ के यू नो खा लिया खाना खा लिया स्पेशली इन आई एम अ पंजाबी तो आई नो पंजाबी फैमिली में सुबह एक पराठा मिल जाए दही के साथ तो वाह वाह मजा आ जाए राइट right? तो हमें लगता है हम चार्ज अप हो गए जोक्स अ पार्ट मैं बात कर रही हूँ अपने मेंटली फिजिकली इमोशनली चार्ज अप होने की विच इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग चार्ज अप तो वो कैसे करना है तो सबसे पहले है मी टाइम जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं उठते ही लैपटॉप ऑन करा क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है आजकल तो बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन है तो वो भी उठते ही सीधा अपना लैपटॉप ऑन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं कोई टेंशन नहीं तैयार होने की जहां पर कुछ स्कूल्स में uh, कि उनको ड्रेसअप होना है तो ड्रेसअप में भी नीचे तो बच्चे ने जॉगर्स या पीजेस पहने हैं ऊपर यू नो स्कूल की शर्ट पहन ली और टाई लगा ली दैट इज ओके आई मीन ड इज नथिंग रॉन्ग इन दैट हो सकता है अभी मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त यू नो

टू मी आई गैट दैट पॉजिटिविटी एंड नो आई गैट दट मोटिवेशन टू वर्क ऑन माई ड्रीम्स बट ऐसा नहीं है हम सब के पास एक वो इनर मोटिवेशन टूल है एक इनर चार्जर है बस हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कहीं हमारे स्टोर में अनयूज ही पड़ा है तो उसको निकालिए और यूज कीजिए तो उसे यूज कैसे करना है तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेक श्योर sure आपका ऑफिस स्टार्ट होता है या आपका स्कूल है या आप कुछ भी करते हैं आप फ्री हैं आपका अपना बिजनेस है जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको स्टार्ट करने से पहले कम से कम आधा घंटा जरूर दें आई वुड प्रेफर मैक्सिमम टू आवर्स बट अगर स्टार्टिंग में आपको लगता है दो घंटे बहुत ज्यादा कमिटमेंट है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद हाफ एन आवर देन यू कैन इंक्रीज अप टू फोर्टी फाइव मिनट्स वन आवर एंड देन यू कैन गो अपू टू आवर्स राइट तो अब वो मीट टाइम में आप सोच रहे होंगे करना क्या हाउ टू चार्ज माइ सेल्फ राइट जैसा मैंने कहा हमें मेंटली चार्ज होना है हमें फिजिकली चार्ज होना है हमें इमोशनली चार्ज होना है और अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं आप थोड़ा सा स्परिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है तो स्पिरिचुअली भी सो दैट विल ऑल कंप्लीट योर मोटिवेशन दैट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड चार्जिंग अप योर बॉडी

जैसे ग्रैटिट्यूड सबसे पहली चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है uh, to, you know, uh, उस ऑल माइटी को उस भगवान को या आप जिस भी रिलीजन uh, को मानते हैं या यूनिवर्स को जस्ट ऑफरिंग अ ग्रैटिट्यूड ऑफरिंग अ थैंक यू कि हमारी रात बहुत अच्छी निकली हमारा दिन भी अच्छा निकले आई एम हम्बल आई एम थैंकफुल दैर आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई हैव टू आईज टू सी हमारे पास भगवान का दिया कितना कुछ है बट कहीं ना कहीं हम सिर्फ उसी में उसी सोच में रह जाते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है तो अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स वट वी हैव देन टूवर्ड्स वट वी डोंट हैव आई थिंक वी विल भी हैविंग एनफ दूसरा है अगर आप जैसा मैंने कहा अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए आप प्रे कर सकते हैं टू द गॉड आप एफर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं एफर्मेशन होती हैं पॉजिटिव टॉक्स बहुत ही सिंपल जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक विश्वास दिलाती हैं कि यस यू एग्जिस्ट यू आर एनफ तो कोई भी एक पावरफुल लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी ड्रीम्स अपने गोल्स अपनी डिजायर्स uh, को लिख के उनको रीड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल uh, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं आप किसी प्रमोशन की वेट कर रहे हैं सो यू कैन ऑलरेडी राइट इन दफरमेशन दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई एम ए नफ आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ ऐसी बहुत सारी एफरमेशन स्टेटमेंट्स होती हैं विच आर पॉजिटिव विच कैन हेल्प यू सेल्फ टॉक कर सकते हैं ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट आई लव टू डू दैट दैट मीन्स आई लुक इन द मिरर और मॉर्निंग में मैं अपने आप से बात करती हूँ जैसे कि मैं अपने आप को समझा रही हूँ अपने आप को एक अप्रूवल uh, दे रही हूँ कि ठीक है यू गो इन द वर्ल्ड टूडे इज अनादर ब्यूटिफुल डे एक नया दिन है नए दिन की शुरुआत करो विद डूइंग ऑल द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू अपनी चेक लिस्ट को देखो और उसे फॉलो करते रहो सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल विजन बोर्ड अगर आप विजन बोर्ड फॉलो करते हैं तो एक uh, उसको देख सकते हैं बिकॉज विजुअली जब आप अपनी ड्रीम्स को अपने गोल्स को देखते हैं तो इट इट हेल्प्स अ लॉट राइट देन मेकिंग अ टू डू लिस्ट ये सबसे जरूरी है दिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपना दिन एक डायरी में नहीं लिखा तो प्लीज अपना दिन मत स्टार्ट कीजिए आई बिलीव इन अ लॉर्ड ऑफ प्लानिंग मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर प्लान उसी हिसाब से चलता है बी रेडी विद योर प्लान बी एंड सी ऑल्सो बट एक टू डू लिस्ट जरूर बनाइए और पूरे दिन में जो भी आप टास्क अचीव करना चाहते हैं एंड डोंट गो फॉर राइटिंग टू मेनी टास्क दो या तीन टास्क मैक्सिमम लिखिए और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए What matters is completion. It doesn't matter कि आप uh, लिखते रहते हैं, लिखते रहें बहुत सारे काम और रोज वो carry forward हो जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. Then meditation. I think it is uh, it's a very powerful tool to talk to yourself, to focus. agar aapko challenge hai that you're not able to focus on your work ya bahut sare thoughts, negativity mind mein you know ghar kar gayi है, तो meditation is something which will help you. वो आप कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस uh, आती हैं आप मॉर्निंग में दस मिनट का मेडिटेशन करिए बाय प्लेइंग दैट इट वर्क्स वेल सेकेंडली थर्डली सॉरी अपना फिजिकल स्ट्रेंथ uh, और फिजिकल फिटनेस के लिए इधर आप योगा कर सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं जिमिंग कर सकते हैं वॉक पे जा सकते हैं एनीथिंग दैट यू लाइक टू डू देन आपका लर्निंग बिहेवियर भी बहुत जरूरी है तो आप अगर बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो बुक्स पढ़ सकते हैं टेकटॉक सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए पानी जरूर पीजिए अर्ली मॉर्निंग ड्रिंकिंग वाटर एज अ वाइन सिप बाय सिप इज वेरी पावरफुल और फिर आप रेडी हैं इस uh, दिन की यू uh, नो you know, भाग के लिए अपने कामों के लिए अपने वर्क के लिए एंड दैट विल मेक यू completely charged and all the things तो ये वाली सारी चीजें आप follow कर सकते हैं and uh, उसके बाद में golden rule जो आपको hidden दिख रहा है उस पर भी हम बात करेंगे and let's talk about the next quadrant तो आपका first quadrant ready हो गया है and let's talk about the second quadrant now right जो आपका second quadrant है वो है your time that means आपकी professional life right uh, अगर आप student है तो आपकी student life अगर आप professional हैं या आप अपना बिजनेस करते हैं जो भी है राइट इट इज ऑल अबाउट योर वर्किंग तो दैट इज कॉल्ड एज योर टाइम राइट जिसमें आप दूसरे के लिए एंटाइटल्ड हैं या कमिटेड हैं तो उसमें अगेन पहला सबसे पहले मेकअप टू डू लिस्ट जो भी आपके डेली दिनचर्या के काम हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए इसमें प्रायोरिटी वाइज बनाना और बेटर रहेगा आपके लिए बिकॉज यू नो कि किस ऑर्डर में आपने वो काम को कंप्लीट करना है फिर ईमेल्स चेक करना कि बहुत बड़ा चैलेंज है समटाइम्स आई हेयर फ्रॉम पीपल Um, अरे मैंने तो ई मेल चेक ही नहीं की तीन दिन हो गए ई मेल्स आई थिंक वी शुड मेक अ हैबिट ई मेल्स इज अम्पॉर्टेंट टूल फॉर आस बाय विच वी आर कनेक्टेड इन आर प्रोफेशनल वर्ल्ड और आपको नहीं पता कौन सी ई मेल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है तो मेक श्योर टू चेक योर ई मेल्स मैं नॉर्मली अपनी ई मेल्स तीन बार दिन में चेक करती हूँ और उसका एक फिक्स टाइम है उसमें जो इमिजिएट एक्शन है उसी वक्त करा जो लेटर ऑन करने वाला है उसको एक फोल्डर में डाल दिया एंड देन अकॉर्डिंगली आई प्लान ऑन इट उसके बाद यू हैव टू प्लान अपनी मीटिंग्स करिए या आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं या आपको कोई कॉल्स करनी है बिजनेस या वर्क रिलेटेड ये चेकिंग स्टैक पेपर्स आप सोच रहे हैं ये ज़रूरी है यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हम सिर्फ पेपर में ही रह जाते हैं और उसे हम नहीं कर पाते उसको चेक कीजिए डीक्लटरिंग बहुत जरूरी है अपने पाइल अप मत कीजिए अपने कैबिनेट्स बिकॉज अगर हमारी स्पेस डीक्लटर होगी तो हमारा माइंड भी डीक्लटर होगा देन यू टॉक टू योर टीम मेंबर्स या आप जिनसे भी आपकी टीम है या आपके कोलिग्स हैं उनसे बात कीजिए उनसे इंस्पिरेशन लीजिए मोटिवेशन लीजिए या उनको मोटिवेट कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए तो ये आपका सेकेंड uh, पार्ट है विच इज कॉल्ड एज योर योर टाइम राइट तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पूरा हो गया इसमें आप अकॉर्डिंगली चीजें एड और डिलीट या रिव्यू कर सकते हैं चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ लेट मी शो यू दैट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट है आर टाइम दैट मीन्स योर फैमिली टाइम राइट ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आप भूल जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करना क्योंकि हम कई बार अपनी फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं राइट right? बहुत साल हो गए शादी को तो लगता है कोई बात नहीं है ना द द हस्बैंड और द वाइफ विल अंडरस्टैंड और फैमिली विल अंडरस्टैंड दे नो वी आर बिजी इट्स ओके बट थोड़ा सा समय तो उनके लिए निकालना ज़रूरी है ना बनता है ना सो स्पेंड टाइम विद योर हस्बेंड स्पाउस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपकी फैमिली है उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए Uh, अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए टॉक टू देम लिसन टू देम उनका आज दिन कैसा रहा क्या अच्छा रहा क्या कुछ नए सीखने को मिला अपने पेट्स को अडोर कीजिए राइट right? उनको वॉक पे लेके जाइए uh, आप शाम को यू नो यू कैन हैव टी एंड कॉफी विद योर फैमिली ऑफ कोर्स डिनर तो आई एम श्योर आप करते ही होंगे अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए अदरवाइज यू विल बी प्रॉब्लम अपनी कहानियां शेयर कीजिए लिसन टू देयर स्टोरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हम इतना uh, खो गए हैं इनक्रॉस हो गए हैं कि हम वो स्टोरीज और अपनी डेली यू नो थिंग्स वो शेयर ही नहीं करते आई ऑलवेज हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स की यू you नो know, मेरे बच्चा आके बस ये बताता है आई आस्क हिम हाउ इज द क्लास इट वॉज फाइन बस एक ही लाइन में वो पूरा नटशेल में पूरी दिन का स्कूल और यू नो एक्सप्लेन कर देते हैं सो मेक अ हैबिट ऑफ डिस्कसिंग दोज थिंग्स बिकॉज़ जितना हम डिस्कस करते हैं उतना हम एक दूसरे से सीखते हैं uh, कोई अपकमिंग आपके इवेंट्स हैं कोई वेकेशंस प्लान है या आप शॉपिंग पे जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए तो लेट स्क्रॉल इट अ लिटल गो फॉर अ वॉक गो फॉर अ डिनर राइट वॉक पे जा सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं एनी थिंग दैट यू लव टू डू विद योर फैमिली बट मेक श्योर वो समय जरूर निकालिए अपना इवनिंग का जो क्वाड्रेंट है उसको मिस मत कीजिए कोई बात नहीं काम तो नेवर एंडिंग है राइट right? मेल्स तो इनबॉक्स हमेशा भरा ही रहेगा दो हजार हंड्रेड मेल्स तो रहेंगी रहेंगी क्या ज्यादा है आपकी दो हजार से ज्यादा है देन इज अ प्रॉब्लम एनी तो देखिए काम तो कभी कम नहीं होगा एंड इट्स नेवर एंडिंग बट जो आपका फैमिली टाइम है वो दिन के साथ निकलता जा रहा है तो प्लीज डू फोकस ऑन दिस क्वाड्रेंट इफ यू रियली वांट टू हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस राइट पर अभी दिन खत्म नहीं हुआ चलते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ एंड लेट मी टेल यू व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज अगेन मी टाइम हमने मी टाइम से स्टार्ट किया था हम मी टाइम पर ही खत्म करेंगे अब उसमें आप क्या कर सकते हैं राइट right? लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मली हम करते क्या हैं राइट right? हम अपना दिन खत्म करते हैं डिनर करते हैं टीवी देखते हैं बच्चों से बात की फैमिली से बात की और उस टाइम ता, तक हम इतना थक चुके होते हैं कि हम सीधा बेड पे सोने चले जाते हैं राइट ज्यादा से ज्यादा हम अपना फोन चार्जिंग पे लगाना नहीं भूलते कि अगला दिन फिर से वी हैव टू स्टार्ट द डे बट अगेन हमने अपने आप को रिचार्ज नहीं किया राइट right? आप सोचेंगे नहीं सुबह चार्ज किया था पूरा दिन हो गया आई एम टू टायर्ड नाउ बट प्लीज प्लीज ये मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप पांच मिनट लगाइए चाहे दस मिनट बट जरूर इस पे टाइम लगाइए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं टू रिव्यू योर डे रिव्यू योर डे में जस्ट एक बार फ्लैशबैक देखिए कि आपका दिन कैसा रहा यू कुड बी थैंकफुल टू एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू केम अक्रॉस यू कुड बी थैंकफुल टू एनी थिंग गुड दैट हैपन Uh, कोई चीज़ आपके साथ अच्छी नहीं हुई और आपको लगा कि ये और बेटर हो सकती थी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं रिव्यू करने से क्या होता है आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक तरह से वो छप जाता है और नेक्स्ट टाइम आप उसे बेटर करते हैं अपने गोल्स देखिए अपना दिन आपके गोल्स के बेसिस पर चला या नहीं चला किस चीज़ से आपको खुशी मिली क्या आप बेटर कर सकते थे आज आपने क्या लाइफ लेसन आपके एक्सपीरियंस है आपने क्या सीखा एंड देन अगेन एंड इट विद ग्रैटिट्यूड अगेन बी थैंकफुल अपनी ड्रीम्स को विजुअलाइज कीजिए राइट right? वो भी बहुत जरूरी है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग और टाइम पिस हो जाइए राइट right? ठीक है अगर आप पार्टी कर रहे हैं दैट्स अ सेपरेट थिंग बट अदरवाइज ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स और कहा जाता है कि मॉर्निंग जब आप उठते हैं और शाम को जब आप सोते हैं तो आपके जो फर्स्ट थ्री मिनट्स और जो लास्ट थ्री मिनट्स होते हैं आर वेरी पावरफुल वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के सबसे इंपैक्टफुल टाइम है तो उस पर टाइम जरूर स्पेंड कीजिए उसमें आप जो भी कर रहे हैं दैट कैन मेक यू हैप्पी ओके तो जैसा आपने देखा मैंने आपको फोर क्वार्रंट दिखाए अगर आप इन फोर क्वार्रेन को इक्वली फिल करके फॉलो करते हैं ट्रस्ट में हो सकता है पहले कुछ दिन आप इसे डिसिप्लिन से फॉलो ना कर पाए बट प्लीज कोशिश करते रहिए अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी कि आप अपने वर्क और अपने लाइफ अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपनी कमिटमेंट्स uh, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी हॉबीज अपने पैशंस सबको एक प्रॉपर यू नो कैबिनेट दे पाएंगे और जब आप सबको एक प्रॉपर कैबिनेट एक प्रॉपर स्पेस दे देते हैं तो आप भी खुश आपके फ्रेंड्स भी खुश आपकी फैमिली भी खुश आपका बॉस भी खुश राइट right? तो कमेंट uh, सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप इसे फॉलो करा आपने इसे फॉलो करा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपको कोई चैलेंज आता है इसमें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए बिकॉज आई वुड लव टू हेल्प यू ऑन दैट। ये हमारा फर्स्ट आई वुड से प्रोडक्टिविटी हैक है बहुत सारी और uh, चीजें हैं मेरे दिमाग में लॉट ऑफ गोइंग ऑन इन द माइंड बट मुझे लगा वन एट अ टाइम शुड वर्क और ये वर्क लाइफ बैलेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास सो आई थॉट आई वॉन्टेड रिकॉर्ड दिस होपफुली फुली आपको इससे फायदा हुआ होगा बट uh, अपना प्यार बनाए रखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको लगता है आपके कोई नेबरहुड uh, में या फ्रेंड सर्कल में यू नो वर्क लाइफ बैलेंस से जूझ रहा है तो प्लीज उससे भी शेयर कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसे फॉलो करने से स्ट्रेस भी खत्म होता है और अगर हम किसी का स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं और किसी के फेस पे स्माइल ला सकते हैं किसी की लाइफ में खुशियां ला सकते हैं तो क्यों ना करें आई एम श्योर अब आपके दिमाग में गोल्डन रूल भी चल रहा होगा कि ये गोल्डन रूल क्या है तो जैसा आपने देखा फोर क्वाड्रेंट्स हर एक के नीचे गोल्डन रूल लिखा है और अगर आप बीच में ध्यान से देखते हैं तो कुछ आइकन्स बने हैं अगर आप उसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देखेंगे वो सारे आइकॉन्स हमारे जाने पहचाने हैं बिल्कुल वो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो सारा दिन हमारे सिर पर बैठते हैं और हम बहुत खुश होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में पाकर बट हमें नहीं पता कि वो हमारी जिंदगी को कितना ख़राब कर रहे हैं आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली उसको यूज करिए बट कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस देर इज नो नीड टू गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस बल्कि उनको एक एलोकेट करिए समय एक टाइम जिस पे आप उसको फॉलो करिए तो अगर आपने देखा होगा मैंने ये सारे सोशल मीडिया आइकन्स बीच में एक बॉक्स में डाले हैं दैट मींस जब आप ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू तो सेकेंड क्वाड्रेंट तब आप अपना समय स्पेंड कर सकते हैं टू तो चेक योर मैसेजेस टेक चेक यू नो कनेक्ट विद द पीपल जब आप थर्ड से सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आप फिर से ये चेक कर सकते हैं और थर्ड से फोर्थ में तो इस दौरान आप बीच में अपना प्रॉपर टाइम एलोकेट कर सकते हैं टू तो योर सोशल मीडिया या पर्सनल ब्रांडिंग या बिजनेस मार्केटिंग या अगर आप सिर्फ टाइम पास और मस्ती के लिए यूज करते हैं वट एवर इज़ द रीज़न आप उसको यूज़ करिए सो डोंट गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एलोकेट देम द टाइम बट बिसाइड्स दैट एक चीज और ध्यान रखनी है आपने जो गोल्डन रूल में ही आती है कि कभी भी अपना दिन स्टार्ट सोशल मीडिया से मत कीजिए और दिन खत्म सोशल मीडिया से मत कीजिए मतलब ये मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले फोन के दर्शन मत कीजिए इट्स पेरर टू वर्क ऑन योर मी टाइम और फिर आप अपना फ़ोन को हाथ लगाइए एंड यू कैन गो ऑन दीज थिंग्स डोंट लेट दी एक्सटर्नल वर्ल्ड इंफ्लुंस यू हम सुबह उठते जब अपने फ़ोन को देखते हैं तो हम आउटर वर्ल्ड को ये अथॉरिटी अप्रूवल देते हैं कि वो हमें मैनुपलेट करें और हमारे माइंड सेट को नेगेटिव पॉजिटिव फ्रस्ट्रेटेड डिसअपॉइंटेड जो भी करें सो वी आर क्रिएटिंग दैट प्रेशर तो वो गलती मत कीजिए और सिमिलरली सोने से पहले एकदम पहले अपने फोन को मत देखिए फॉलो दैट मी टाइम रिलैक्स इट एंड यू नो इट गेट्स सुपर चार्ज सो या दैट्स द गोल्डन रूल नाउ यू नो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल अगर आप पहली बार आए हैं एंड आई बी अगेन हेयर नेक्स्ट विद विद अनदर एपिसोड और वीडियो फॉर यू सो टिल देन टेक केयर बाय बाय